वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी यानी कि VBSP जौनपुर रिजल्ट 2022 सभी छात्रों का रिजल्ट जारी किया गया है। बहुत से छात्रों का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है, तो आज हम सारे कारण समझेंगे क्यों नहीं शो कर रहा है और आपको क्या करना है सारी जानकारी देंगे। उससे पहले आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट कर रहे हैं तो करिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि ऑथेंटिक माध्यम से हर अपडेट सबसे पहले देना हमारी जिम्मेदारी है। और आप लोगों को पता है जितनी चीज़ें आज तक बताया नया इन्फो सारी चीज़ें सही हुई हैं, तो पूरा वीडियो देखें, बातों को समझें। और टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और इसके अलावा अगर आपके कोई प्रश्न है, कोई समस्या है, तो आप हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। पूरा वीडियो देखें, बातों को समझें, शेयर करें, थोड़ी सी दिक्कतें चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर UGPG के कई रिजल्ट 2022 जारी किए गए, और जैसा कि नया इन्फो चैनल ने बताया था कि फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट रहेंगे प्राथमिकता में, तो वही यूनिवर्सिटी ने आपको दिखाया और वो चीज़ें सही हुई। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी अपडेट है कि छात्रों का रिजल्ट जो है वो शो नहीं कर रहा है। तो पहले हम प्रथम सेमेस्टर के स्टूडेंट की बात कर लेते हैं, तो 18 तारीख तक आप लोगों का प्रैक्टिकल नंबर वगैरह जमा हुआ है, जहाँ का भी शो नहीं कर रहा है वहाँ का शीघ्र शो होना स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों का यहाँ मैटर होता है समाप्त। अब यहीं पर अगर हम बात करें जो सेकेंड ईयर का रिजल्ट आया है BCOM का, वैसे अधिकांश इसका शो कर दिया था। जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, चाहे जो भी हो, BA का हो या फिर BSc का हो, BCOM का हो या फिर आपका PG का कोई कोर्स हो, अगर रिजल्ट संबंधित कोई दिक्कतें हैं, शो नहीं कर रहा है, तो बातों को समझिए। कुछ कारण हैं जो कि मैं आपको बताऊँगा, दो कारण नहीं है, बहुत से कारण हैं इसमें, बातों को बस समझिए। यहाँ पर पहला कारण ये है कि देखिए अपलोडिंग का कार्यक्रम चल रहा है, क्लियर है पहला कारण। सेकंड जो दूसरा है कि कुछ फर्जी शिक्षकों ने कापी जांचा था, जो कि दोबारा जांचा, तो उसका भी तो दोबारा जांचेगा, समय लगेगा, वो चीज़ें हुई। और इसके बाद जो तीसरी चीज़ है इसमें, आप बातों को समझिए कि अगर ये चीज़ किसी ने आपको नहीं बताया होगा, अगर आपने बैक पेपर या इम्प्रूवमेंट का पेपर पिछले वर्ष दिया था, तो उसमें से अधिकांश छात्रों का रिजल्ट जो 2022 है वो शो नहीं कर रहा है, ये बातों को समझिए। क्योंकि उसको पकड़ने में, यानी कि वो जो रिजल्ट है उसको पकड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि वो डेटा सब सही करके ही शो कराया जाएगा रिजल्ट, पहली चीज़। ये तीन चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ समझिए, आपके कॉलेज वालों ने प्रैक्टिकल और ये जो वाइवा वाइस नंबर है वो नहीं सेंड किया है, चार हो गया। और इसके बाद अभी देखिए जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जल्दी जल्दी रिजल्ट जारी किए जा रहे हैं, बातों को समझिए कि कई कोर्स के रिजल्ट एक एक दिन में जारी कर दिया जा रहा है, साइट पर लोड हो रहा है और पूरी तरीके से सही तरीके से एजेंसी भी कार्य नहीं कर पाई है। तो ये 5-6 कारण हैं इस वजह से रिजल्ट शो नहीं कर रहा है। तो जिन छात्रों का कमिंग सून वगैरह है तो थोड़ा सा वेट करिए या फिर अपने कॉलेज से संपर्क करिए और उसके बाद आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। लेकिन जो मुख्य कारण थी हमने आपको बता दिया है, और इसका कोई फिक्स डेट भी नहीं है कि इस डेट के अंदर ही रिजल्ट शो कर देगा। हमने क्या बोला था याद होगा आपको, हमने बता दिया था पहले कि सबका शो होने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, तो पहले हम चीज़ों को समझते हैं, देखते हैं, बताते हैं, फिर ऐसे आकर के बोल नहीं देते कि हमारा बात कट जाए, ठीक है। तो ये विशेष रूप से बात ध्यान रखें, समझें, ये कई कारण हैं। और जैसे भी किसी का रिजल्ट आएगा इन्फॉर्मेशन देंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए नया इन्फो चैनल साथ।